व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के, एंड वेलकम बैक टू वरेंद्र। फ्री फायर नहीं भाई, ये है पबजी का गेम प्ले। तो फ्री फायर ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया गाइस, तुम्हें पता है। जैसे कि मैं कुछ दिनों से फ्री फायर की वीडियो डाल रहा हूँ, तकरीबन एक महीना होने ही वाला है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो भाई क्या सीन हुआ है ना, यहाँ पर मैं फ्री फायर के चक्कर में पबजी को खेलना भूल गया। इतने महीनों बाद मैंने, 5-6 महीनों बाद मैंने पबजी को किया, और देखो यहाँ पर जो है ना मेरा एम, यानी कि एक तो जब प्लेयर को जिससे आगे बढ़ाते हैं जो सर्कल सा होता है लेफ्ट साइड में नीचे, वो भाई मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा सही से। यहाँ पर ना बंदे मेरे को मार मार के जा रहे हैं, ये देखो, कभी कोई मार दे रहा है, कभी कोई मार दे रहा है। और भाई मैं मारने लग गया था फ्री फायर में, ड्रैग की प्रैक्टिस करते करते मेरा हाथ बैठ गया था राइट साइड में एम करने का। लेकिन अब यहाँ पर जो है मेरा एम पबजी में, मैं 3 फिंगर हूँ तो मैं 3 फिंगर से ही खेलता हूँ और मेरी यही सेटिंग है। तो भाई यहाँ पर देखो, मैंने मुश्किल से 1 किल किया, उसके बाद 2 किल किया। मैं मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल 100 पूरी तरीके से भूल गया, पूरी तरीके से नहीं भूला भाई, मैं थोड़ा थोड़ा भूला हूँ। यहाँ पर आप लोग मेरा गेम प्ले देख के आपको ये लग रहा होगा कि नहीं यार मैं अच्छा खेलता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं किस तरीके से अपने हाथों को कंट्रोल कर रहा था, किस तरीके से मैं संभाल रहा था भाई। मेरे से ना बॉल देखो, यहाँ पर मैं नेड़ फेंक रहा हूँ, नेड़ फेंकते फेंकते मैं खुद उछल गया, ये देख रहे हो आप लोग। और फ्री फायर में क्या होता है ना, एक बार भागने वाला बटन को दबा तो प्लेयर अपने आप ही भागता जाता है। तो भाई मैं इसमें भी मैं वही समझने लग गया था, इसीलिए मेरे से ना एम कंट्रोल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखो भाई, ये मैंने TDM एरिना ट्रेनिंग वाला मैच लगाया, मेरा एम तो खैर धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है, यानी कि स्नाइपर से मैं धीरे धीरे करके मार ही रहा हूँ उन बंदों को। अभी तुम्हें पता चल जाएगा मेरा एम कितना गंदा हो चुका है, अभी देखना। यहाँ पर तो मैं ठीक ठाक मैं अभी खेल ही रहा हूँ। यहाँ पर देखो, मैंने इसको भी मार दिया, बल्कि मेरे को मारना हेड चाहिए, लेकिन बॉडी शॉट्स गलती से लग रहे हैं भाई, लग रहे हैं, मैं क्या करूँ, लग रहे हैं तो लग रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा एम मतलब इतना भी खराब नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा एम है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा एम को बिगड़ा, मतलब यहाँ पर मेरा एम बिगड़ गया और यहाँ पर मैं मर गया। एम की वजह से दो चीज़ मेरे को संभालने में नहीं आ रही, एक तो जहाँ पर मैं वो कर रहा हूँ फायर का जो बटन है ऊपर, वो मैं भूल गया हूँ उसको चलाना, और जो इधर उधर जो लेफ्ट राइट में जो भागते हैं उसको मैं संभाल नहीं पा रहा, बिकॉज अब जो है मुझे आदत लग गई है फ्री फायर की, इसलिए मैं संभाल नहीं पा रहा भाई। इसीलिए कहते हैं कोई एक गेम को ही खेलना चाहिए, फ्री फायर या फिर पबजी को, ये एक गेम खेलो उसी में प्रो बन जाओ, दो गेम को नहीं संभाला जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है यार दो गेम को खेलना। अब मैं भाई पबजी को भी सीख रहा हूँ, अब देखो मेरे को क्या हो रहा है, ऐसे खेल रहा हूँ मैं जैसे कि नूबड़ा होता है ना, नूब मतलब इतना भी नूब नहीं, मतलब मीडियम वाला नूब, ठीक है ना, उस तरीके से मैं खेल रहा हूँ भाई। 5-6 महीनों बाद मैं आज खेल रहा हूँ इस पबजी को, क्या पता इसीलिए मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, या फिर फ्री भाई जहाँ तक मेरे को पता है फ्री फायर ने मेरे कंट्रोल्स को बिगाड़ दिया है, ठीक है ना। मतलब पबजी के कंट्रोल से मैंने वही रखे हैं सेम टू सेम जैसे मैं पहले खेलता था, लेकिन भाई वो बात ही नहीं आ रही जो मैं खेलता था, ठीक है ना, वो बात आ ही नहीं रही है भाई। पबजी में और फ्री फायर में बहुत अंतर है यार, एमिंग का अंतर है। यहाँ पर देखो, मैं ओम को ही नहीं उठा पा रहा था, 2-3 चक्कर लगे मेरे ओम को उठाने में, लेकिन मैं ओम को उठा ही नहीं पा रहा था। हाँ मेरा एम तो खैर ओम का थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही है। यहाँ पर मैंने मिनटों में 2 बंदे खत्म कर दिए, ठीक है ना। अब ये बचा था एक बंदा, इसको भी मेरे टीम मेट ने मार दिया था, और अब बचे थे सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे नहीं 4 बंदे, ठीक है ना। तो एक बंदे को और मार देता है, मतलब मैं मार देता हूँ एक बंदे को और ओम से ही, और अब बचते हैं 2 बंदे, 2 बंदे को मेरे टीममेट मार देंगे। तो भाई इसीलिए कहते हैं अगर तुम्हें गेम खेलनी है तो कोई एक गेम खेलो, दोनों में नहीं खेल पाओगे। अगर जो बंदे दोनों गेम खेलते हैं वो भाई अल्ट्रा लेजेंड है, मुझे नहीं पता भाई, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि 5-6 महीने बाद मैं गेम को खेल रहा हूँ इसीलिए मुझे दिक्कत आ रही है। आप लोग मेरे को कमेंट्स करके बताना कि क्या आप लोगों के साथ भी ये वाली दिक्कत होती है या फिर नहीं होती है, अगर आप लोग दोनों गेम्स को खेलते हो। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया था इस गेम को खेलने के बाद। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये KR वर्जन है। बाय बाय।